भी अगर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी साथ चल सकता है। तो ये नॉन टीचिंग की तरफ से उनका साथ है, चेयरमैन से बात करते हैं। सभी फैकल्टीज, मेरे साथी व स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे सबको हमारी तरफ से पढ़ना। हमारे दो इश्यूज हैं, कल से हमारी फैकल्टी ने जो फैसला लिया था, हम फैकल्टी के साथ तन मन धन से साथ हैं। और हम तो ये कहते हैं चल हमारा परिवार एक हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो, हम साथ हैं। जब तक ये दोनों वापस नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आश्वासन चाहते हैं मेरे सीनियर से कि ये भी पीछे नहीं हटे, अगर कदम आगे बढ़ा दिया तो पीछे हटना सोच रहा काम नहीं है, नहीं हटेंगे। मैं एक बार सारे साथियों से एक नारा लेना चाहता हूं, कृपा सारे जोर लगा के संघर्ष हमारा नारा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एकलव्य ने अपने गुरु के लिए अंगूठा दिया था, अगर आज आप बॉन्ड पॉलिसी के लिए हमारे साथ खड़े हैं तो पूरे स्टूडेंट्स की तरफ से मैं वचन देता हूं कि कल कॉमन गार्डर पॉलिसी के लिए हम अपनी गर्दन भी दे देंगे अपने गुरु से। और हमें लगता है कि हमारी विजय जरूर होगी, तो मैं सभी फैकल्टी मेंबर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब हम एक बार डीसी मैडम के ऑफिस में जरूर जाएं। थैंक यू। डीसी मैम ने बोला कि भाई यहाँ धरना क्यों है, विजय पार्क में धरना क्यों नहीं है, ये आज हम जवाब देंगे कि धरना विजय पार्क में इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अपने गुरुओं के लिए वहां जगह छोड़ रखी थी। तो सबसे पहले जो हमारे गुरु जी हमारे बीच में आए उनके लिए एक हम आभार प्रकट करने के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। और नॉन टीचिंग फैकल्टी के लिए भी, वो भी हमारे बीच में जुड़े हैं, उनका भी बहुत दिल से आभार है। अगर सरकार की प्यारे स्टूडेंट्स और डियर फैकल्टी मेंबर्स, ये हमने बहुत पहले ही निर्णय ले लिया था कि आपकी जो जेन्युइन डिमांड है बोर्ड पॉलिसी के लिए, ये फैकल्टी और ज्वाइंट एक्शन कमेटी जिसमें नॉन टीचिंग एसोसिएशन नर्सिंग एसोसिएशन भी साथ है, वो सभी आपकी इस जेन्युइन डिमांड का समर्थन करते हैं और आपके इस आपके साथ।
को चंडीगढ़ हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बुलाया है और शायद सीएम साहब ने भी बुलाया है। सीएम जा रहे हो ना? जी सर। वो बुलाया है और जाने के बाद मुझे ऐसी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ठीक निर्णय हो जाएगा। और आज हम भी आज डेलीगेशन चंडीगढ़ जा रहे हैं और चंडीगढ़ डेलीगेशन लेकर के प्लीज लिसन, एक बार बाउंड पॉलिसी का और दूसरी जो फैकल्टी से डायरेक्ट कंसर्न की बात है, कॉमन कैडर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी है, उसमें पहले हमें पता लगा था कि रोहतक को एक्सक्लूड कर दिया था। और हाँ जी, नहीं ऐसे दर्शन कॉमन कैडर आज नहीं पहले तो एक बार भैया नॉन टीचिंग वालों से मैंने नारे ला दो भाई रे। दाना